अवैध शराब की बिक्री और अपराध पे वृद्धि पर रोक लगाने के लिए गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में चंद्रपुर जिले में शराबबंदी हटाने का फैसला लिया गया है। इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि जिले में अवैध शराब का बोलबाला है। छोटे बच्चे, महिलाएं अवैध शराब के धंधे में शामिल थी। युवा वर्ग ड्रग्स की ओर जा रहा था। अपराध में वृद्धि हुई है। शराब पर प्रतिबंध लगते ही अवैध शराब शुरू हो गई थी। पिछली सरकार ने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उसे लागू नहीं कर पाई थी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आजू बाजू के जिलों से शराब आ रही थी। वडेट्टीवार ने कहा कि समिति की रिपोर्ट के अनुसार शराबबंदी हटा ली गई है। शराब पर पाबंदी के मामले में महाराष्ट्र ने देश में नई मिसाल पेश की थी। राज्य के 3 जिलों में न तो शराब पी जा सकती थी, न ही पिलाई जा सकती थी। वर्धा, गढ़चिरौली और चंद्रपुर जिलों में 2015 में शराब बंद की गई थी। इसी संबंध में मंत्री विजय वडेट्टीवार ने अपनी राय। महसूल सोडून द्यावं, जनतेपेक्षा महसूल महत्त्वाचा नाही। महत्त्वाचं काय आहे, उद्या या अवैधरित्या दारू ज्या पद्धतीनं मोठ्या प्रमाणात होत होती, लहान बालकं त्या दारूच्या अवैध व्यवसायामध्ये काय हे झाली, महिलांचा सुद्धा मोठ्या प्रमाणात महिलासुद्धा या व्यवसायामध्ये गुरफटली गेली, तरुण पोरं आत्ता जिथे ड्रग्स विकला जात नव्हता चंद्रपूर जिल्हा, तिथे ड्रग्स मोठ्या प्रमाणात आले, आणि हे सगळी परिस्थिती पोलिसांनी प्रयत्न करून किती दारू पकडली तरी दारू सुरूच असायची, मग त्याच्यावर आरोप प्रत्यारोप, हे काही मी सरकार बदलल्यानंतर दारू अवैध सुरू झाली असं नव्हे, ज्या दिवशी दारू बंद झाली त्या दिवशीपासून अवैध दारू सुरू झाली। त्याची आकडेवारी जर पाहिली आपण तर मला वाटतं मोठ्या प्रमाणात आहे ती आकडेवारी आहे। म्हणून मी आता हे सविस्तर आत्ता सांगणार नाही, परंतु जे परिणाम दारूबंदीनंतर पूर्णतः व्हायला पाहिजेत, 5 वर्ष मागच्याही सरकारने दारूबंदीसाठी प्रयत्न केलेत पण अपयशी ठरले। कुठेच दारूबंदीवर कंट्रोल ठेवला गेला नाही। करोडो रुपयाची दारू त्या ठिकाणी जप्त केली गेली, हजारो वाहनं जप्त केली गेली, तरीही पण पूर्णतः दारूबंदीवर नियंत्रण येऊ शकलं नाही। याचं कारण असं आहे, आंध्रातून दारू येते, नागपूर जिल्हा उघडा आहे तिथून दारू येते, आणि आपल्या भंडारा गोंदिया जिल्ह्यात दारू बंदी नाही तिथून दारू येते आहे। तर त्यामुळे दारूबंदीचा निर्णय घेत असताना मी म्हणालो होतो, चंद्रपूरच का, मग महाराष्ट्र का नाही, ही भूमिका मी मानली। अरे करायचं असेल तर ह्या सगळ्या अवैध, उद्या काय होईल की डुप्लिकेट दारूने जर काही लोकांचा जीव गेला तर त्याला पालकमंत्र्यांच्यावर आरोप, काही चुकीचं झालं तर लोकप्रतिनिधीवर आरोप, आणि हे सगळं अभ्यास केल्यानंतर जी झा समिती सनदी अधिकारी झा नावाचे अधिकारी आहे त्यांची नियुक्ती केली आणि त्यांचा अहवाल तो प्राप्त झाला, त्या अहवालातून अहवालानुसार ही दारूबंदी आता निर्णय झालेला आहे। 2014 में राज्य के वित्त मंत्री बने सुधीर मुनगंटीवार इस फैसले के लिए पिछले 10 साल से संघर्षरत थे। उनके चुनाव क्षेत्र चंद्रपुर को शराब मुक्त करने के लिए चली मुहिम में 1,07,000 स्थानीय महिलाओं ने कई अन्य सामाजिक संगठनों के साथ शराब पर रोक लगाने का ज्ञापन दिया था। बीजेपी सरकार ने जन भावना को ध्यान में रखकर संपूर्ण शराबबंदी का दायरा चंद्रपुर के साथ गढ़चिरौली और वर्धा तक बढ़ा दिया था। 2015 में जहां एक और कई आंदोलनों के बाद चंद्रपुर में शराबबंदी की गई थी, वहीं अब 6 साल बाद महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले का असर सामाजिक संगठनों और चंद्रपुर की जनता पर किस तरीके से होगा, ये वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BCN न्यूज़।